चलिए स्वागत है बच्चों फिर से हमारे चैनल पे। तो आज हम लोग देखते हैं दूसरे प्रकार का जो बॉन्ड, जिसका नाम हम लोग रखे थे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। पिछले वीडियो में हम लोग ने समझा था कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कुछ अपना इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं, और इस प्रकार से आयन का फॉर्मेशन होता था और वो आयनिक कंपाउंड बना करके आयनिक बॉन्ड बना के आयनिक कंपाउंड बनाते थे। ठीक है, ये था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब दोनों एलिमेंट ऐसे हों कि भाई दोनों को चाहिए, देने वाला कोई नहीं। ठीक है, दोनों को चाहिए, दोनों लेने वाले हैं, या फिर दोनों देने वाले हैं और लेने वाला कोई नहीं हो। तो ऐसे हालत में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। ठीक है, तो जितने भी डायटोमिक गैसेस होते हैं, डायटोमिक गैस कहने का मतलब होता है वैसा एलिमेंट या वैसा गैस जिसमें दो एटम्स हो। ठीक है, तो अपने डायटोमिक गैस का फॉर्मेशन देख लेते हैं कि कैसे वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, फिर एक दो कार्बन एलिमेंट के बारे में देख लेंगे। जैसे बात करते हैं हम लोग हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रहता है H2 के रूप में। ठीक है, ऑक्सीजन ये रहता है O2 के रूप में, नाइट्रोजन ये रहता है N2 के रूप में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 और नाइट्रोजन N2 कैसे बना? तो ये भी बना है कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, जैसे अगर बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरा हाइड्रोजन और है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये भी चाह रहा है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए अपना डिबेट पूरा करने के लिए, और ये भी चाह रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए अपना डिबेट पूरा करने के लिए, लेकिन कोई देने के लिए रेडी नहीं है, दोनों लेने के लिए कि भाई हाउ चाहिए हाउ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हालत में क्या करेगा भाई? एक ऑप्शन आया उनके पास, शेयरिंग कर लो। ठीक है, तो दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेते हैं। जब शेयरिंग करते हैं ना, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों का बराबर का हक होता है। जैसे अगर मान के चलते हैं आप और हम मिलकर के एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और बिजनेस खड़ा होने वाला है 10 लाख में, 5 लाख हम लगाए, 5 लाख आप लगाए। ठीक है, तो अगर हम उस एक दुकान खोले थे, अब उस दुकान को ले अगर के हम अगर विजिट करवाना चाहें अपने रिलेटिव्स को कि भाई देखिए ये हमारा दुकान है, तो उस टाइम हमारे रिलेटिव को क्या लगेगा कि भाई इसी का दुकान है। और वही दुकान को अगर आप जाकर के रिप्रेजेंट करवाना चाहो अपने रिलेटिव्स को, तो आप बोलेंगे ना कि हमारा दुकान है, दुकानिया दोनों का है। लेकिन अलग अलग तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, दुकान हमारा भी है, दुकान आपका भी है। अब यहां पे भी दोनों शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन को, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हक किसका भी है। जब इसकी तरफ से देखेंगे तो दिखाया कि भाई ये हमरे है, उसका नए है आई हाइड्रोजन। अब ये जब दिखाएगा अपने परिवार को, दिखाया किसका है, ये इसका है। तो इसको कवर करके जब इसका बात करेंगे, तो इसका डिबेट पूरा हो गया, और इसको कवर कर लेते हैं, ये अपने परिवार को दिखा रहा है, इसका भी डिबेट पूरा हो गया, और इस प्रकार से इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है HRH, और ये बन जाएगा H2। ठीक है, इस प्रकार से एक आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्सीजन का अगर देखते हैं, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है कितना, 1 2 3 4 5 6, दो को ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 6 है दोनों के पास, ये भी क्या चाह रहा है कि हम लें किसी से कई गो, दो गो इलेक्ट्रॉन, ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। क्यों हुआ 6? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका 2 और 6 हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 6, वही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, समझिए। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों को चाहिए दो, तो कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना पड़ेगा, बराबर हिस्सेदारी करनी है भाई, तो दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो ऑक्सीजन अपना 1 2 3 4 को रख लेगा इनमें, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 को रख लेगा इनमें, और दो इलेक्ट्रॉन ये भी बीच में डाल दिया, दो इलेक्ट्रॉन ये भी बीच में डाल दिया। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखेंगे, जब इसके हिसाब से देखेंगे तो ये है इसका इलेक्ट्रॉन, जोड़ के देखा जाए 2 4 और 4 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट ना। अब इसके हिसाब से देखेंगे तो इसको कर लेंगे गॉन। ठीक है, तो इसका भी क्या हो गया, 4 2 6 2 8, यानी कि ऑक्टेट दोनों का है कंप्लीट। यहां पे चूंकि दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया गया है, तो दो को बॉन्ड हमको दिखाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहां पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना,
और ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा O2। चलिए नाइट्रोजन में आते हैं, तो नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है 7, तो इसमें 2 और 7 हो गया, इसका 2 और 6 है, ठीक है, तो 2 और 7 है तो 7 होता है, तो 2 और 5 हो गया, सॉरी 2 एंड 5 हो गया, तो इसके आउटर मोस्ट में है 5, तो 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, और इसको भी ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करे, फिर से शेयरिंग करेगा 3 इलेक्ट्रॉन का, जैगो चाहिए ना उतना ही का वो शेयरिंग करेगा, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। तब यहाँ पे 3 का शेयरिंग करना है, 2 को अपना साइड में रख लेगा, ये नाइट्रोजन भी 2 को अपना साइड में रख लेगा, और सामने करेगा कई को इलेक्ट्रॉन, ये 3 को ये भी सामने, और 3 को करेगा ये भी सामने। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो ये हो गया इसका, और इसके हिसाब से देखा जाए तो इसको कवर कर लिए, और ये हो गया इसका, ठीक है, इसका भी 3, 3, 6, 2, 8, और इसका भी 3, 3, 6, 2, 8, 8 गो इसका भी हो गया, 8 गो इसका भी हो गया, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 गो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस तरीके से बन गया ये N2। इस प्रकार से देखिए कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है, और ये जो बन रहा था ना, ये हम लोग डायटोमिक गैस का फॉर्मेशन देखे कि किस प्रकार से एटम्स जो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं गैसेस फॉर्म में रहते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल में दुगो सेम टाइप का, ठीक है, होमो, होमो मतलब सेम, तो सेम टाइप का एटम वहां पे है। अब देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप वाले का भी, जैसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन ले लिए, और एक ले लेते हैं क्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में बीनो, कितने होते हैं 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 हो गया इसका 1। अब ये भी एक फ्लो लेना चाह रहा है, ये एक फ्लो लेना चाह रहा है, और जब दोनों लेने वाले होंगे तो क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा भाई, ठीक है, कितना लेना चाह रहा है, तो दोनों एक एक लेना चाह रहा है, तो शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो ये हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक ये भी सामने, एक ये भी सामने, दोनों एक इलेक्ट्रॉन किया सामने, इसका डिवेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा, और इस प्रकार से ये बन गया H सिंगल बॉन्ड Cl, और क्या बन गया ये HCl। यहाँ पे देखिए दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं, दोनों का जरूरत है एक एक इलेक्ट्रॉन का, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए, और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। कुछ और देखते हैं हम लोग, इसके अलावा कुछ और देखते हैं हम लोग, जैसे लेते हैं एक कार्बन कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड CH4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन, ठीक है, तो ये मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए कार्बन, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको चाहिए 4 गो, लेकिन इसको मिल रहा है कौन, हमको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाना है, तो हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसको एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन के का शेयरिंग कर सकता है, लेकिन इसको चाहिए 4, तो टोटल कितने हाइड्रोजन लगेंगे, तो टोटल लगेंगे 4 हाइड्रोजन, वी नो इट, ठीक है, तो चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया यहाँ पे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया इसके साथ, ये भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया इसके साथ, और ये भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिया इसके साथ, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोजन का ये डिवेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डिवेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डिवेट पूरा, इस हाइड्रोजन का डिवेट पूरा। अब कार्बन, कार्बन चारों तरफ अपना बिजनेस फैले ले है भाई, 4 को हाइड्रोजन के साथ, तो इसके भी दोनों के ऊपर इसका हक है ना, इसके भी दोनों के ऊपर इसका हक है, इसके भी दोनों के ऊपर, इसके भी दोनों के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार से जो कार्बन होगा कुछ इस प्रकार से अपना सर्किल बनाएगा, और कार्बन का देखा जाए तो सारे हाइड्रोजन को गॉन करते हुए देखेंगे 2, 4, 6 और 8, तो ये मीथेन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बीच में कार्बन और चारों तरफ क्या रहेगा इसका, हाइड्रोजन, समझ गए। इस प्रकार से ये क्या बन गया, ये बन गया CH4, मीथेन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, समझ में आई बात। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जहां पे बनता है इसको सह संयोजक बंधन बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो सह संयोजक बंधन यानी कि साथ साथ सहयोग करके वो बंधन बना रहा है, और सहयोग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। इस प्रकार से हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड बनेंगे वैसे कंपाउंड को क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे कोवेलेंट कंपाउंड,
ठीक है, तभी तक जितना भी कंपाउंड के बारे हम लोग देखे वो सभी कोवेलेंट कंपाउंड थे। समझ में आया बात? तो इस प्रकार से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ और इसी प्रकार के एलिमेंट्स को लेकर के, और बना करके देखिए कि क्या वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा या वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आयनिक बॉन्ड कब बनाएगा वो हम पिछले वीडियो में बात कर लिए थे। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और अगर ऐसा लगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है या दोनों इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, तो ऐसे हालत में दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे। किस प्रकार से? शेयरिंग करके, ठीक है, तो करेंगे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, और इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और इस प्रकार से जो कंपाउंड बनेंगे वो कहलाएंगे कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बेसिक्स केमिस्ट्री के साथ। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।